कश्मीर के रजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए आगरा के लाल शुभम गुप्ता ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उम्र 27 साल जरूर थी पर हौसले आसमानी थे, जज्बा ऐसा कि राह कभी आसान चुना ही नहीं। तभी तो बचपन के सपने को पूरा करने के लिए वकालत की पढ़ाई छोड़ सेना की वर्दी चुनी। गाने का शौक था और अक्सर तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना गुनगुनाते थे। गीत के बोल अब हकीकत बन गए और सच में शुभम पावन मिट्टी बन गया है। ये बताते हुए उनके भाई और दोस्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका पार्थिव शरीर खेरिया एयरफोर्स स्टेशन पर दोपहर 3:30 बजे पहुंचा, जहां सेना के फूलों से सजाए गए ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को ताज नगरी फेज 1 प्रतीक इनक्लेव स्थित उनके घर तक लाया गया। यहां 2 दिन से बेटे का इंतजार कर रहे पिता डीजीसी बसंत गुप्ता ट्रक देखते ही बिलख बिलख कर रोने लगे। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहीं पर शहीद को अंतिम प्रणाम किया। हजारों लोग की भीड़ शहीद के सम्मान में नारे लगाते हुए यहां से शुभम के पैतृक गांव कुआखेड़ा पहुंची, जहां रात को उनका अंतिम संस्कार किया गया। रजौरी में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता को राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश शहीद कैप्टन की माँ और पिता को 50 लाख रुपए का चेक सौंपने पहुंचे। लेकिन दिल दहलाने वाली बात तब हुई जब चेक देने के दौरान फोटो खिंचवाने पर शुभम की बिलखती हुई मां ने मंत्री से कहा कि मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे बेटू शुभम को बुला दो। मां का यह शब्द सुनकर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी निशब्द रह गए। उच्च शिक्षा मंत्री अपने साथ कैमरामैन और मीडिया को लेकर पहुंचे थे। बेटे के गम में डूबी माँ को खड़ा कराकर उन्होंने फोटो सेशन करवाया। सेना के जवानों ने जब कैप्टन शुभम गुप्ता की वर्दी और तिरंगा मां के हाथों में सौंपा तो मां के हाथ पैर कांपने लगे, मानो उनके हृदय पर दुनिया जहां का दुख टूट पड़ा हो। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने यही कहा कि मेरे बेटे की आखिरी निशानी तो लाए, लेकिन उसे लेकर क्यों नहीं आए। इतना कहते ही वर्दी को बेटे की तरह दुलारने लगी। वर्दी पर लगे मेडल चूमती हुई तो कभी सीने से लगाती रही माँ। काफी देर तक माँ बेटे की आखिरी निशानी को निहारती रही। माँ के ये दशा देख परिजनों ने हमारा शुभम देश के लिए बलिदान हुआ कहते हुए माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो माँ है, उसे तो अपना बेटा चाहिए होता है। अब शुभम इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन शुभम की यादें और देश के लिए उसका देश प्रेम हमेशा भारतवासियों के जहन में रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।